कैसे हैं आप सभी। तो चलिए इस पैटर्न की नॉलेज दे रही हूँ। तो आपको मैं बता रही हूँ, उसमें आप मेंस, वुमेंस और किड्स के लिए जो है इसी से कई तरह के मतलब आप पैटर्न बना सकते हो। लाइक वुमेंस है तो फिर आप स्कार्फ, ठीक है। तो यदि आपका मफलर स्कार्फ है तो आपने क्या करना है, जैसे मफलर बना दोगे तो ये चीज़ खुली रख लेनी है आपने। देन आपने क्या करना है, मफलर में जो है इस तरह से ये स्टिचिंग करनी है और ये फिर इस तरह से ये उसको हुडी आ जाएगी, ठीक है। और हुडी में भी बेस्ट आएगा। और रही बात अभी किड्स की, अब किड्स के लिए बनाना है हमने तो क्या करना है हमने, यहाँ पर इस तरह से फिर हमने यहाँ से इसको स्टिचिंग कर लेना है यहाँ से लेकर नीचे तक। देन फिर यहाँ पर हमारा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए इस ट्रिक को हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये ब्यूटीफुल पैटर्न बनकर रेडी हो रहा है। यदि आपने मफलर बनाना है और ये अगर आपने जो मैंने यहाँ पर टाई स्टिचिंग थोड़ा टाइट किया हुआ है, बेबी की कैप बन रही है तो फिर आपने टाइट करना है, मफलर करना है तो आपने इसे जो लूज़ रखना है ताकि इसमें डोरी जाए तो आप लूज़ एंड टाइट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात फंदों की, तो आपने हेड के अकॉर्डिंग ही फंदे लेने हैं, तो 30 फंदे से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को आपने जो लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना है। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल पैटर्न बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल कैरिज वाले ने जो नोब रहता है वो बैक साइड को करना है, ठीक है, और कार्ड वाले ने इसको यूज़ करना है। और अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, सारे फंदे जो है बाहर की ओर निकाल देना है, ठीक है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको एक चीज़ से जो है कई बेनिफिट होंगे, कई तरह के आइटम बना सकते हो। यदि आपको एक पैटर्न आता है तो आपको सारे पैटर्न आएंगे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 फंदे हैं, ठीक है, तो इस 3 फंदों को बुन लेना है हमने, ठीक है। देन फिर दोबारा मैंने यहाँ पर 3 को कर लेना है इधर, और जाली भी लगानी है मैंने साथ साथ में, ठीक है, इस तरह से। देन फिर 3 इस तरह से, तो लास्ट तक 3-3 नहीं भी बिल्कुल भी करना है आपने, ठीक है। इसमें हमने जो है यहाँ पर कम से कम आपके यहाँ पर आपके 15 फंदे रह जाने चाहिए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना, और साथ में बता रही हूँ कि ये जाली जो है आपने ना साथ साथ बनाते हुए जाना है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी जाली को जो है भूलना नहीं है, क्योंकि जाली से ही इसकी लुकिंग आ रही है। यहाँ पर मेरे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इनको 1-1 करके पीछे की ओर ले जाना है, ठीक है। पहले मैंने 3-3 किए थे ना, तो साथ में जाली भी बनती जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत अच्छा बनकर आएगा। तो फिलहाल इसको बना लेते हैं। अब मेरे यहाँ पर सारे जो मैंने 1-1 करके थे ख़त्म हो गए, ठीक है। अब जो 1-1 ख़त्म हो गए थे, फिनिश हो गए, अब इनको बाहर निकालना है। जाली फिर भी चलती ही जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पैटर्न चेंज होने वाला है ना, आप यहाँ से देखना है, बिल्कुल भी स्क्रिप नहीं करना। एक मिनट में बेट लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे जैसे ये जाली निकल रही है, ये भी बाहर निकलते हुए जाएंगे हमारे ना, इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ पर मेरा जब ये सारे मेरे यहाँ फिनिश हो जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर किस तरह से होगा। ये मेरा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, और ये बंदा इस तरह से, ठीक है ना। अब ये बैक को जाएगा मेरा, ठीक है। अब ये मेरा बैक को जाएगा, तो बैक जाते हुए क्या करेगा, अब ये जाली भी बनाने लगेगा, ठीक है, इस तरह से। अगेन पहला स्टेप आपको ध्यान से करना है आपने ना, तभी आपका जो है पूरा सर्कल
अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह से। अब मैंने ये सारा का सारा जो है फिनिश करते हुए जाना है मैंने लास्ट तक। फिनिश हो गए हैं एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए मैं क्लियर करूँ स्टार्टिंग में बताया था सेम वैसे ही करते जाना है। और जो ये लुकिंग है ना ये आपकी बाद में बहुत अच्छी बनकर आती है। ठीक है, ये हल्के से ऊपर को उठकर आती है और बहुत प्यारा मतलब ये दिखता है। ठीक है, तो चलिए अब आपकी चॉइस है, ये आपने 3 निकालने हेड के अकॉर्डिंग या आपने 4, 5, 6 जितना आपको अच्छा लगता है मतलब उतना ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं फंदे के बारे में नॉलेज लेनी है तो फंदे के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगी। ठीक है, तो आप जो मिनिमम बेबी को अगर आपने बनाना भी है तो 35 से बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसमें तो फंदे अभी मैंने आपको समझाने के लिए कम ही लिए है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह का पूरा बनकर रेडी होता है। देखिए फर्स्ट स्टेप, देन मेरा सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो मेरी 3 ये ऊपर की टॉप कलियाँ रेडी हो गई है। ठीक है, तो अब मैंने अपने हेड के अकॉर्डिंग इसे बना लिया है और पूरा का पूरा मैं लेस करने जा रही हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि अब मैंने क्या करते हुए जाना है। इसे थोड़ा लूज लूज आपने करना, टाइट नहीं करना है। अक्सर जो बहने होती है ना धागा थोड़ा टाइट खींच लेती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सुई से जो होल रहता था वो अप डाउन करके गैदर कर दिया है। ठीक है, अब आ जाइए हमारे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, सेंटर पे आ जाइए। ये सारे फंदे हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र करने, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये यहाँ पर टोटल फंदे मेरे 60 है, तो मैंने ट्रक लीवर के बटन का इस्तेमाल करना है। देन मैंने 20 को राइट एंड लेफ्ट से निकाल देना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, और ये बटन कर दिया भाई मैंने इधर, और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20। अब मैंने इस तरह से एक फंदा यहाँ से, ठीक है ना, एक फंदा यहाँ से आएगा, एक फंदा यहाँ से आएगा, और ये हमारे हर बारी में एक एक फंदा लेस उठते हुए जाएगा। 20 से रह गए मेरे यहाँ पर 19 है ना, फिर इन्हें ऐसे कर दीजिए। देन ये दूसरी साइड मेरी है ना, तो इस तरह से। यदि आपको ये कैप आती है तो हुडी की कैप भी इसी तरह से बनती है। फंदे गिरने की कोई जरूरत नहीं है, कौन फंदे से गिरते रहे उठाते रहे, ये बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से ना आपका फंदा गिरेगा और सफाई भी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारे कम कम होते जाएंगे है ना। तो इस तरह से हम करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी शेप बन के आ गई है। और साथ में और बेनिफिट बता रही हूँ, यदि आप सॉक्स की मेंस विमेंस चाहे किड्स के लिए भी ऐसी हील निकाल सकते हो तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल बन के आई है। मैंने आपको इसमें स्टिचिंग से बचाया हुआ है, स्टिचिंग नहीं कर पाएंगे आप इसमें। ठीक है, अगेन कह रही हूँ कि आप जो है 2 कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर पट्टी बना देनी है। ठीक है, और साथ में डोरी भी बनानी है ताकि लूज़ एंड टाइट कर सके। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इक्वल्स फंदे आने चाहिए। ठीक है, तो पहले ये वाली साइड बुनी जाएगी, फिर उतनी ही रो जितनी इसमें लगाइए, फिर हमने इसमें। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट वाला स्टेप बताने जा रही हूँ।